हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज लेके आए हैं आपके लिए WRV, जिसके लिए आप कुछ भी कहें, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही अंडररेटेड गाड़ी है। जिस सेल्स और जिस प्लेटफॉर्म में इसको होना चाहिए था, उसमें तो नहीं है। आप जैसे भी देख सकते हैं, जैसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखें तो थोड़े, हाँ कह सकते हैं कि SUV बोलते हैं, बट थोड़ा हाइट वगैरह वैसे कम है। बट स्पेस मुझे नहीं लगता इस प्राइस रेंज में और इस कैटेगरी में इससे ज़्यादा कोई देता होगा। और आज आपके लिए है WRV, तो वही सब आप देख सकते हैं, तो इसलिए आज आपके लिए लेके आए हैं WRV। आप देखिए, बताइए आपको कैसा लगता है, कैसी लगी गाड़ी वापस आपको, क्योंकि बीच में बहुत टाइम हो चुका है जिसके इसके बारे में किसी का भी ब्लॉगर्स ने या जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं किसी ने बताया नहीं है अभी तक। तो आप देख सकते हैं और बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, नहीं लगी तो डिसलाइक करिएगा। आज लेके आए हैं आपके लिए SUV वेरिएंट है ये, बेस वेरिएंट डीजल के साथ। सो गाइस, ये आपको मैं वेरिएंट दिखाई दिया, SUV है हाइड्रेटेड डीजल में, ठीक है। ये सिर्फ मैनुअल में आता है, CVT में नहीं आता। ये इसी कुछ की है आपका, ये देखिए इसमें ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो फ्लिप की है, इसमें सिर्फ दो ही स्विच आते हैं, लॉक और अनलॉक का, दैट्स ऑल, और कोई की नहीं है। और जैसे आप देख सकते हैं गाड़ी, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। आप मुझे कमेंट से बताइए कि आपको गाड़ी ये कैसी लगी। बाकी आप देख लेते हैं इसमें बूट स्पेस कितना है, जिस हिसाब से गाड़ी का लेंथ है उस हिसाब से बूट स्पेस ठीक ही लग रहा है, कुछ ऐसे सच कुछ खास नहीं लग रहा। बाकी नीचे देखते हैं, अच्छा ये सारा वो टायर रिलेटेड एक्सेसरीज, ये मिशलिन के टायर है, स्टील रिम है, साइज वन साइड डाउन, वो वन साइज डाउन है जो स्टॉक एलॉय व्हील्स है। और यहाँ पे आपका रेयर डिफोगर आ जाता है, वाइपर नहीं आता है, आप देख सकते हैं। और ये SUV वेरिएंट है, तो VX वेरिएंट में इसमें एक तो डिफरेंस है कि आपको वाइपर नहीं मिलता, प्लस आपको ये LED नहीं मिलते, ये लाइट्स आपके कम्प्लीटली हैलोजन है इसमें। और वाइपर तो आपको मैंने बता ही दिया, जस्ट बैक में ये डिफरेंस है, यहाँ पे SUV की जगह VX का वो वेरिएंट का नाम आ जाएगा, दैट्स ऑल। और चलते साइड में, आपको साइड में देखिए, अब रेड के साथ ब्लैक बीडिंग्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, जैसे ये हो गई, ठीक है, इस साइड में ये हो गई, ये सब एक्सेसरीज के पार्ट है, इसके बारे में आपको मैं बाद में डिटेल में बताऊँगा। और जैसे ये हो गई, ये चीज़ हो गई, ठीक है, क्रोम का जितना भी पार्ट है ये सारा ये गाड़ी में स्टॉक आता है, ये आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ना बाहर से ना कंपनी से, ठीक है, ये का क्रोम पार्ट का कंपनी से आता है, बाकी ये सब एक्सेसरीज का पार्ट है। और ये है इसका सेकंड साइड रुक, आप देख सकते हैं। फ्रंट में कोई प्रोजेक्टर लैंप नहीं है, क्योंकि ये SUV वेरिएंट है, इसमें दो ही वेरिएंट आते हैं, SUV और VX। तो SUV वेरिएंट है, इसमें आपको मैं लाइट जला के दिखाता हूँ एक बार, वन सेकेंड। और इसमें कोई पुश बटन स्टार्ट भी नहीं आता आपको, या तो आप की से खोलिए या तो फिर आपको यहाँ पर की लगा के खोलिए, कुछ ऐसा है इसका स्विच वो मतलब। तो आपको इसमें कोई पुश बटन स्टार्ट नहीं आता, आपको ये जस्ट की लगानी है, देन ये स्टार्ट हो गई। आप पे कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का भी ऑप्शन नहीं आता, आपको हेडलैम्प चालू करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ से मैं ये चालू कर देता हूँ हज़ार्ड, आप देख सकते हैं इसके बाद कि इसका कैसा रिस्पॉन्स है। हेलोजन लैम्प है, इंडिकेटर हेलोजन है, ये जस्ट आपको DRL दे दी है, और नीचे LED के कुछ रिंग्स हैं, DRLs में आप गिन सकते हैं। नीचे फॉग लैंप, अच्छा ये भी नहीं जला, एक सेकंड में इसके लिए भी जला देता हूँ। ठीक है, ये भी आपका हेलोजन में आता है। ये है कुछ फ्रंट लुक, आप अगर रात में चलाते हैं तो ये कुछ आपको फ्रंट लुक लगेगा, हेलोजन है कम्प्लीटली। अगर आप VX में जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर आ जाता है विद LED, ये भी आपको LED में जाएगा, प्रोजेक्टर नहीं आएगा। बाकी आपको अब ये फ्रंट लुक, अब आपको अंदर से दिखाते हैं कि गाड़ी में क्या क्या है। हाँ, एक और चीज़ है कि जब आप VX लेंगे तो उसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे मिलेंगे LED में, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे कुछ अजीब सा ही लगता है, बेस वेरिएंट वाली फील आती है, जबकि आपको ऐसे अलॉयज है, सब कुछ है, उसके बाद भी आपको यहाँ पे नहीं दिया है। कोई बात नहीं, आपको जो भी प्राइसिंग है आपको नीचे अभी मेंशन हो रही होंगी, डीजल की, पेट्रोल की, दोनों की। और ये वो मैनुअल में ही आती है, ऑटोमेटिक में नहीं आती। बाकी ये ऐसा कुछ इसका
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आपको मैं वापस स्टार्ट करके दिखाता हूँ। हाँ तो कुछ ऐसा है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैं आपको वापस स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये कम्प्लीटली बंद, इसे मैंने यहाँ पे चाबी लगाया, ये कोई कंप्लीट स्वाइप वगैरह नहीं करता है, बट आपको नीचे इंजन की जो भी वार्निंग्स है वो लाइट्स आ जाती है, बीच में आपको स्पीडोमीटर आ जाता है, लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में आपको जस्ट छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें आपको टाइम बाय एवरेज ट्रिप ए, और इसका स्विच ये रहा ऊपर ट्रिप ए ट्रिप बी कितना चला, और नीचे ये टाइम आप सेट कर सकते हैं 12 आवर्स में देखना कैसे, ये कम्प्लीटली है, और ऊपर आप देख सकते हैं कितना आपकी बाइक गाड़ी चली, नीचे टेम्परेचर दिखा रहा है जो अभी बाहर चल रहा है, ऊपर जो है ऊपर जो ये जगह है यहाँ पे आपको टेम्परेचर ये दिखाएगा माइलेज कितने से कितना चला गया, नीचे फ्यूल का, दैट्स ऑल, इससे तो कुछ नहीं है। स्टेयरिंग देखते हैं, तो स्टेयरिंग हाइट एडजस्टेबल है, अच्छा दोनों है, हाइट एडजस्टेबल भी है और रिट्रेक्टेबल भी है, प्लस आपको यहाँ पे ये म्यूजिक सिस्टम का स्विच मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉल अब का काटने का लगाने का और जो कनेक्ट करने का वॉइस कमांड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ही आपका आ गया वॉइस कमांड्स का ऑप्शन, यहाँ पे कोई क्रूज कंट्रोल नहीं आएगा, वो इसके ZS वेरिएंट पे आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, ये इसको बंद कर देते थोड़ी देर के लिए, ये आपका मैनुअल वेरियंट है, तो आपको ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, जिसमें आपको जो रिवर्स है इसमें थोड़ा अलग टाइप का है, आपको कुछ ऐसे मतलब ऊपर नहीं करना ना नीचे करना है, आपको डायरेक्टली ऐसे पीछे करना है, बहुत छोटा सा इसका गेयर नॉब है, बड़ा मतलब अजीब सा ही लगा मुझे तो इस चीज़ में, मैं कह सकता हूँ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, ये 8 इंच का सिस्टम आता है जिसमें आपको वन सेकेंड 8 इंच सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लूड है, देखा जाए तो टाटा कार से देखा जाए तो काफ़ी फ्लूड है, अब किसी गाड़ी को मैं वो नहीं कर रहा, डिसलाइक नहीं कर रहा, बट जो असलियत है मैं वो बता रहा हूँ, काफ़ी स्मूथ है, और यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन है, USB वीडियो का ऑप्शन है, कनेक्टिविटी में क्या क्या आ जाता है देख लेते, सेशन नोट करना पता नहीं अब क्या है, ब्लूटूथ ऑडियो आ जाता है, कॉलिंग आ जाती है, फोटोज़ का ऑप्शन आ जाता है अगर आपने किसी को फ़ोन को या USB को कनेक्ट कर रखा है, देन यहाँ पे है टाइम, फोटो फ्रेम अगर जैसे भी आपने USB कर रखा है तो हिसाब से, दैट्स ऑल, इससे और कुछ नहीं है, जैसे आप इसमें क्लिक करके रखते हैं तो नीचे ये ऑप्शन आ जाता है किस किस टाइप का आपको कौन कौन सा डायल किस टाइप में चाहिए, तो वो आपको ऑप्शन है कि आप अपना टच करें और फिर वापस होल्ड करके ऊपर डाल दें, दैट्स ऑल। अब इसमें आपको मैं गाना चला के दिखाता हूँ कि आपको कैसा लगता है, आप साउंड क्वालिटी देख लीजिए, क्योंकि kids screaming in the cradles profanities, I see blood through eyes covered in ink, cross out the ones who hurt the cars and watch me weep, I love everything, fire spreading all around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright, hush. बाकी ऐसा कुछ था इसका म्यूजिक सिस्टम, ये SUV वेरिएंट है, इसमें से 4 स्पीकर्स आते हैं, आप इसे ऊपर ZS वेरिएंट में जाते हैं इसमें उसमें आपको 4 स्पीकर्स का टोर टूटर्स भी मिल जाते हैं जो यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे मैंने दिखाई दिया था नीचे क्या क्या है, आपको 1 सेकेंड में लाइट जलाऊँ देन आपको मैं दिखाता हूँ। नीचे आपको एक तो USB पोर्ट मिल जाएगा, ये 2 USB पोर्ट मिल जाएंगे, 1 पावर आउटलेट का सॉकेट मिल जाएगा, और ये आपका कुछ गेयर नॉब है, बीच में कोई आर्मरेस्ट नहीं आता है आपको, और ये कप होल्डर्स है, बोतल होल्डर्स है, जस्ट यहाँ पे स्पेस दे रखा, काफ़ी स्पेस तो है, काफ़ी स्पेशियस है गाड़ी। हाँ तो आप देख सकते हैं इतना ही कुछ इसका वो है, स्पेस तो काफ़ी है गाड़ी में, काफ़ी स्पेस, जैसे कि आप देख सकते हैं स्पेस तो काफ़ी है गाड़ी में, मैं अभी मैं आराम से बैठा हूँ, देख सकते हैं मैं आराम से बैठा हूँ,
उसके बाद भी कितना स्पेस है। अब मेरे साइड में भी आराम से ये बिडिंग जो है साइड की कुछ आ जाए, अच्छी कुशनिंग जो है बहुत अच्छी बनाई गई है। बाकी यहाँ पे लेदर का कोशिश तो की गई है, लेदर की ट्रीटमेंट दिखाया जाए, बट है प्लास्टिक की, हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे थोड़ा कपड़े का मटेरियल है। बाकी चारों पावर विंडो आता है, ड्राइवर साइड इससे वन साइड अप डाउन है। ये लॉक अनलॉक का स्विच है, मैं आपको लाइट दिला देता हूँ, फिर उसके बाद आप देखिए थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। वन सेकेंड, तो ये आपका स्विच हो गया लॉक एंड अनलॉक का। ये आपका चाइल्ड लॉक करने का वो है स्विच है कि आप इसको अगर दबा दे तो कोई और आपका विंडो अप डाउन नहीं होगी। बाकी ये आपका रेयरवे मिरर का स्विच है, राइट लेफ्ट करके आप अपना कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, यहाँ पे और कुछ नहीं आपको मिलता है। हाँ, एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी आपको यहाँ पे, वो बोतल होल्डर बोल सकते, कप होल्डर बोल सकते, कुछ भी बोल सकते आप, बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको एयर कंडीशनिंग है, यहाँ पे आपको कूल रहेगा। ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे कि ऐसे जो इसका प्लेसमेंट है वो इतना अच्छा रखा गया है कि आगे आपके अपने एक कप भी रखा, कप होल्डर जैसे बड़ी कॉफ़ी का रखा अपने, कप कोल्ड कॉफ़ी आप पी रहे हैं यहाँ पे रखा, तो ये कम्प्लीटली कोल्ड होती रहेगी एसी चल रहा है अगर आपका, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। बाकी ऐसा है कुछ इंटीरियर इसका फ्रंट में, और कुछ नहीं है। वह यहाँ 1 लीटर का पानी बोतल का स्पेस है, यहाँ पे भी सेम वही 1 लीटर पानी स्पेस है, और अलग से कुछ नहीं है। ये ओपनिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्रोम का फिनिश मिल जाएगा। और अब आपको लेके चलते पीछे की तरफ, आगे जो सीट है वो मैंने कम्प्लीटली पीछे कर रखी है। आप देख सकते हैं आपको कितनी स्पेस मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं 5'10" हूँ, तो उसके बाद ही मुझे इतना स्पेस मिल रहा है। और अगर हेडरूम देखता हूँ तो मुझे अप्रोक्सीमेटली इतना हेडरूम मिल रहा है, तो मेनली तो मच इनफ है। अगर मैं गाड़ी अगर मैं पीछे बैठता हूँ और जो अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको रिक्लाइन एंगल जो है गाड़ी का इस सीट का वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको लॉन्ग टूर में जाना है तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये चीज़। बाकी आप ये देख सकते हैं ऐसा कुछ इसका वो है मटेरियल है, कोई लेदर सीट्स नहीं आता इसमें, सारी वो है फैब्रिक सीट्स है। यहाँ पे भी सेम हार्ड प्लास्टिक है, लेदर का फिनिश देने की कोशिश की गई थी बट नहीं हो पाई, हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ फैब्रिक फिनिश है, यहाँ 1 लीटर बोतल का स्पेस है, यहाँ 1 लीटर बोतल का स्पेस है। यहाँ पे विंडो का स्विच आ गया, अब मैंने आगे से स्विच ऑफ कर रखा है, इस वजह से यहाँ पे नहीं हो रहा है। बाकी ऐसा कुछ है, यहाँ पे पार्सल शेफ आ जाती है आपको बैक सीट के लिए। यहाँ पे आपको ये रेड सीट बेल्ट, और एक ताज्जुब की बात लगी आपको इस रेंज में जो भी गाड़ियाँ हैं आपको मिडल में, हाँ ये बड़ी ताज्जुब की बात लगी, ये इस रेंज में जो भी गाड़ियाँ हैं इसमें, अगर जैसे ये 4 मीटर से अबव की गाड़ी है इसमें आपको इस रेंज में कम से कम आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट मिलना चाहिए था विद टू कप होल्डर्स ना भी मिले पर सेंटर आर्मरेस्ट मिलना चाहिए था। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा गाड़ी में मुझे, बट वैसे गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, वेरी मच कंफर्टेबल। अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या ऐसा कुछ तो आप आ सकते हैं। ये रिंग रोड होंडा है, आप देख सकते हैं ये रिंग रोड होंडा। मैं आपको नंबर और एड्रेस नीचे मेंशन कर दूंगा, दिल्ली में है ये रिंग रोड होंडा नियर पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन, आपको मैं मेंशन कर दूंगा सारा। आप आइए बात करिए, कंसर्न पर्सन का नंबर दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर और भी कुछ आपको अपडेट्स चाहिए, डिटेल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपको, बाकी का कुछ ऐसा ही है। आप वापस से एक बार देख लीजिए गाड़ी। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, इसमें एलॉय व्हील्स आते हैं एसयूवी वेरिएंट में भी जो मिशलिन की है। इसका टायर साइज है, वन सेकेंड, इसका टायर साइज़ है 195/60R16, 16 इंच के एलॉय व्हील्स है, और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है। रेयर में भी सेम ही है बट रेयर में डम्प ब्रेक्स है। अब ठीक है, इतना कुछ फास्ट कुछ है नहीं। अब मैं आपको ना इंजन भी दिखा देता हूँ, वन सेकेंड। यहाँ पे अगर आप देखते हैं आपको ये थोड़ा अलग है सब गाड़ियों में से। यहाँ पे आपको अगर नीचे का देखते हैं तो ये फ्रंट का जो बोनेट है ओपन करने का, यहाँ पे फ्यूल लिड ओपनर का स्विच है। हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको सीट हाइट एडजस्टेबल मिलती है, मैनुअल है पर मिलती है। अभी ये देख लेते हैं, वन सेकंड।
वेट है, काफ़ी वेट है कंपेरेटिवली जो भी इसके सेगमेंट की गाड़ी है उनसे वेट है। ज़्यादा वेट नहीं बोल सकता, काफ़ी ज़्यादा वेट नहीं बोल सकता, बट हाँ काफ़ी हद तक वेट है, बिल्कुल हल्का भी नहीं है। अगर कंटिन्यूस अगर आप इसको 2 से 3 मिनट पकड़ेंगे तो आपके हाथ में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है इसका हर्ट। 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो 100 bhp की पावर निकालता है, 200 nm का टॉर्क निकालता है, जिसकी आप क्लेम मेरा माइलेज देखते हैं तो क्लेम माइलेज है 24 km/l पर लीटर डीजल में। और इसमें पेट्रोल आता है एक आपका जो 1.2 लीटर का है IVTEC इंजन जो 90 bhp की पावर निकालता है और 120 nm का टॉर्क निकालता है। उसका कुछ क्लेम माइलेज है आपका 17.5 km/l पर लीटर। अब आप देख लीजिए आपको पेट्रोल लेना है डीजल लेना है, मेरे हिसाब से तो आप कुछ भी लीजिए, बट ये गाड़ी एक बार आप चेक जरूर करिए क्योंकि गाड़ी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड गाड़ी है, इसको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, आप फोर्ड की तरह होंडा भी आप चाह रहे हैं कि चली जाए जो पेट्रोल के, आप देखिए अगर पेट्रोल लवर हैं या डीजल लवर है, डीजल का तो मुझे आइडिया नहीं, मैंने पेट्रोल बहुत चलाया होंडा का, बहुत स्मूथ बहुत रिलायबल होता है। अगर आप चाहें तो इसमें CNG लगा के भी आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टर मार्केट। ठीक है, तो इतना आपका फैमिली का इंजन है, बाकी आपके ऊपर है आप क्या चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।